2004 साल में वॉलप्लास्ट ने कंपनी चालू किया और आज 2015 के अंदर 500 करोड़ तक पहुंच गए। एक स्टाफ के लिए तो पगार होता है, अपना पगार मिल गया, कहानी खत्म। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को मैनेजमेंट चलाना, फैक्ट्री के ओनर को फैक्ट्री चलाना, सेगमेंट बढ़ाना, काम करना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। एटीट्यूड इज अ रिफ्रेश बटन बाय विच यू कैन रिफ्रेश द विंडो ऑफ योर माइंड, हार्ट, डेस्क। एज ए स्टाफ, स्टाफ का एटीट्यूड होता है। एज ए ओनर्स, आपका ओनर्स का एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज एटीट्यूड टूवर्ड्स मैनेजमेंट हैज टू बी रियली क्लियरली डेल्ट विद। फ्रेंड्स, 500 करोड़ कोई खाने की बात नहीं है, 500 करोड़। 2004 साल में वॉलप्लास्ट ने कंपनी चालू किया और आज 2015 के अंदर 500 करोड़ तक पहुंच गए। देखो, एक वॉल पुट्टी जैसा प्रोडक्ट शुरू में चालू किया, फिर वॉलप्लास्ट, फिर लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, रेडीमिक्स मिक्सचर्स, काफी सारे चीजें लेके आए। देखो, सेगमेंट बढ़ाना, काम करना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। कंपनी चलाना एक स्टाफ के लिए तो पगार होता है, अपना पगार मिल गया, कहानी खत्म। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को मैनेजमेंट चलाना, फैक्ट्री के ओनर को फैक्ट्री चलाना, कोई आसान खाने का काम नहीं होता है। बहुत मुसीबतें उसके अंदर होती है और इसके अंदर ये सारी चीजें जब होती है तो उसका जो दौर गुजरता है। Dear friends, why I am talking to you is this is not a selling or any kind of this thing. I know this is an attitude seminar. Dear friend, what I am trying to talk is ये सारी चीजों में आपको attitude की जरूरत पड़ती है। As a staff, staff का attitude होता है। As a owners, आपका owners का attitude होता है। ये सारी चीजों में attitude towards employees and employees attitude towards management has to be really clearly dealt with. Really understood what is the role, what are we going to play, what is the kind of role that we are playing. ये सारी चीजें जो है, एक आपको आज मैं ये विवरण करना चाहूंगा। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी सर्विस में हो, कोई भी सेल्फ प्रोफेशनल हो, कोई भी एक्सपोर्ट्स में हो, कोई भी हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी हो, इंजीनियरिंग कंपनी हो, डायग्नोस्टिक की कंपनी हो, मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी हो, कोई भी हो, आज बैठे हुए यहाँ पे जो भी SMEs आए हैं, डियर फ्रेंड्स, यू रिक्वायर वन थिंग, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। व्हाट कैन मेक द डिफरेंस इज ओनली अ बिगर पार्ट ऑफ इट इज एटीट्यूड। मैं आपको हर चीज से वाकिया करूंगा, मैं आपसे आज एक बूंद भी गलत बात नहीं करूंगा इस डैश पे। आई विल टेक यू ऑन हाउ द सक्सेस स्टोरी गोज ऑफ व्हाट कैन यू, व्हाट ऑल थिंग्स डू यू रिक्वायर। वो ईंधन क्या है जो रॉकेट को ऊपर जाने के लिए लगेगा, शेल में जाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, लेट मी गो थ्रू माय अदर शेड्यूल्स बिफोर आई गेट टू द अदर शेड्यूल्स। एटीट्यूड के बारे में जो अशोक भाई साहब ने बताया, डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं वाकिफ करना चाहूंगा। हमारा इन्वेस्टमेंट जब हम लोगों ने शुरू किया तो एक बहुत इमोशनल एटीट्यूड, एक स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इंटरव्यू में उन्होंने जो बताया। लेकिन जो दूसरा फैक्ट्री लगाया तो दूसरे फैक्ट्री के टाइम पे हमारा एटीट्यूड थोड़ा बदल गया, तीसरे और चौथे के टाइम में थोड़ा बदल गया। लेकिन चौथे टाइम जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके, जब पांचवी बार आई इन्वेस्टमेंट करने की, तो एटीट्यूड वॉज वेरी क्लियर कि अभी हमारा प्रोडक्ट बाजार के अंदर चल रहा है। ये कॉन्फिडेंस उस मैनेजमेंट के अंदर आ चुका था, लेकिन एटीट्यूड जो फर्स्ट टाइम था, ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज एटीट्यूड। सेकंड टाइम ऑल्सो ही वॉज क्लियर, थर्ड टाइम वॉज ऑल्सो क्लियर, फोर्थ टाइम वॉज ऑल्सो क्लियर, फिफ्थ टाइम जब इन्वेस्टमेंट की बारी आई तो चार एक्सपीरियंसेस साथ में थे, चार टाइम का कॉन्फिडेंस लेवल साथ में था। हर बिजनेस में ये कॉन्फिडेंस आने के लिए इस दौर से जाना पड़ता है। मैं ये फेलियर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिस्क की बात जरूर कर रहा हूँ। ये चार टाइम रिस्क था, फर्स्ट फोर टाइम्स वॉज अ रिस्क फॉर ए कंपनी। आज यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, काफी सारे लोगों का बिजनेस तो मैं जानता हूँ, काफी सारे लोगों का बिजनेस मैं समझता हूँ, काफी सारे बिजनेसेस तो मैंने नजदीक से भी देखे हुए हैं। लोग मेरे से इंटर एक्ट डे टू डे बेसिस पे भी कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हुए लोग। लेकिन डियर फ्रेंड्स, फेल्यूअर का सामना हम लोगों ने किया ही होगा। फेल्यूअर इज अ बाय प्रोडक्ट, उसको कैसे लेके जाना है, ये सारी चीजें से हम लोग निकल जाएंगे। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए डे टू डे बेसिस पे, कॉर्पोरेट लाइफ में, एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो एंड एज एसएमई ऑल्सो। वी विल गो अहेड विद द प्रेजेंटेशन टुडे डियर फ्रॉम माय फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, एटीट्यूड इज अ रिफ्रेश बटन बाय विच यू कैन रिफ्रेश द विंडो ऑफ योर माइंड, हार्ड डिस्क। द कोट इज प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ। एक रिफ्रेश बटन है साहब। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बात समझ लो,
आप जब काम करते हो आपके ऑफिस में, तो आपके ऑफिस में आप रोज एकदम परफेक्ट आते हो क्या? और रोज हर चीज एकदम जैसे सूरज निकलता है ढल जाता है, सूरज आता है ढल जाता है, परफेक्शन इतना होता है कि अपने अंदर? सूरज इज अ कॉन्स्टेंट फिनोमिना, इज एटीट्यूड ए कॉन्स्टेंट फिनोमिना? डू यू एक्सेप्ट इट? यस और नो? कॉन्स्टेंट है या नहीं है? कैन एनीवन टॉक? इट इज अ कॉन्स्टेंट एटीट्यूड, एटीट्यूड इज अ कॉन्स्टेंट फिनोमिना? यस? कितने लोग यस है बताओ तो यार, जरा हाथ ऊपर करो ना प्लीज, थोड़ा थोड़ा हाथ तो ऊपर हो जाए। डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, द अदर पीपल्स आर राइट, एटीट्यूड इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फिनोमिना, वी नीड टू बिल्ड इट कॉन्स्टेंट। देखो आप सुबह निकलते हो, आपको जल्दी आपके फैक्ट्री में पहुंचना है, आप फटाफट फटाफट कार लेके निकल जाते हो और सामने वाले कार को पा 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 हॉर्न दे देते हो, बिकॉज़ यू डोंट, यू आर वरीड कि मैं 9:30 बजे मेरे को पहुंचना है। एटीट्यूड नॉट कॉन्स्टेंट ना? हम लोग सामने वाले को गाली दे देते हैं, गाली मतलब एक्चुअली गाली नहीं, लेकिन ऐसे, अरे क्या यार समझता नहीं है मेरे को यार, लेकर होता है नहीं होता है अपने लोगों के साथ, रिक्शा में बैठे हुए होते हैं, लेकिन भाई साहब जरा जल्दी चलो ना, आप क्या कर रहे हो, होता है नहीं होता है। एटीट्यूड इज नॉट ए कॉन्स्टेंट फिनोमिना डियर फ्रेंड्स, हमेशा चेंज होता है, सुबह दोपहर रात को इस चेंजिंग, अपने बिजनेस में इसका तकलीफ अपने को महसूस होता है, हम जब बिजनेस करते हैं ना तो यही रिफ्लेक्सेस अपने बिजनेस के ऊपर होती है, यही चीजें अपने बिजनेस के ऊपर असर करती है। देखो ये चीजें हैं माइनर, छोटी छोटी होती है बातें, मैं आज आपको ये सब छोटी बातें नहीं बताने वाला हूं, बिलीव मी दिस इज अ बिग स्टोरी, आई वांट टू कंटिन्यू, बट दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स विच कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन अस, कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर रिफ्लेक्सेस, कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर डे टू डे विंडो दैट वी कैरी, बिकॉज आपने एटीट्यूड को नहीं देखा, एटीट्यूड तो तुम्हारे साथ में था ही, आपने रिक्शे वाले को क्या बोला या आपने गाड़ी चलाते वक्त जोर से हॉर्न दिया या जो भी किया, लेकिन एटीट्यूड आपके साथ में था ही, इट वॉज नेवर दैट इट वॉज नॉट विथ यू, इट वॉज ऑलवेज 24 आवर्स विथ यू। डियर फ्रेंड्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक द सेशन अहेड इज, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट बेसिक्स ऑफ एटीट्यूड एंड देन वी कैन प्रोसीड अहेड, एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ डे टू डे बेसिस टुडे।